स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग इंग्लिश क्लास टू का लेसन नंबर 7 जो एक पोएम है द बग, उसके बारे में पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। बग कहते हैं, द बग एक कोई भी छोटा कीड़ा, खटमल या इस तरह के कोई भी कीड़े हो जो छोटे छोटे हो। तुम लोग बहुत तरह के कीड़े देखे होगे, आजकल बरसात में बहुत तरह के कीड़े भी आते हैं, तो उन सब कीड़ों को बग कहते हैं। And when the rain had gone away and it was shining everywhere, I ran out on the walk to play and found a little bug there. तो बरसात के दिनों में आमतौर पर बहुत देखने को मिलता है। तो ये बच्चा भी कह रहा है कि जब बारिश रुकी, जैसे ही बारिश रुकी, rain gone away, और shine हर तरफ रोशनी फैल गई, चमकने लगा, हर चीज चमकने लगी, सूरज की धूप निकल गई, मैं बाहर निकला खेलने के लिए, बाहर निकला, एंड आई फाउंड ए लिटिल बग देयर, और मैं एक छोटा सा कीड़ा वहां देखा, मुझे एक छोटा सा कीड़ा मिला, एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन अंटिल ही स्टॉप फॉर ब्रीथ एट लास्ट ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन। कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था, जो कीड़ा उसको दिखा मिला, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, जितना तेज एक कीड़ा दौड़ सकता है, भाग सकता है, उतना तेज वो भाग रहा था। एंड एज एनी लिटिल, जितना कि कोई भी छोटा कीड़ा उड़ सकता है या भाग सकता है, यहां तक कि वो थक के और सांस लेने के लिए रुका। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, वो पूरी तरह से काला था और वो चमक रहा था सूरज में, धूप में, सूरज की रोशनी में चमक रहा था। एंड देन ही चिप्ड ए सॉन्ग टू मी एंड गेव हिज विंग्स ए टग, फिर उसने एक आवाज निकाली, जिसको लड़का कहता है कि वो मुझे, मेरी तरफ चहचहा के एक गाना सुनाया, मुझे गाना गाया, गाना गाकर सुनाया, गीत गाकर सुनाया। एंड गेव हिज विंग्स ए टग, और अपने पंखों को एक खिंचाव दिया, खींचा, लंबो पंखों को जल्दी से खींचा। And that's the way he showed that he was very glad to be a bug. और इस तरह उसने मुझे दिखाया, बताया कि एक bug होकर, एक कीड़ा होकर भी वो बहुत खुश है। Being a bug, be a bug, एक bug होकर, एक कीड़ा होकर वो बहुत खुश है, ये उसने दिखाया। मजोरी बैरोज का ये poem है। तो ये poem यही खत्म होता है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।